दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 के बारे में, और इस बाइक के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं और साथ में इसका लेटेस्ट ऑन रोड शोरूम प्राइस भी बताने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो में आने तक। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो लुक और डिज़ाइन के बारे में फ्रेंड्स क्या ही कहना, आपको फ्रंट का लुक जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, एक रोबोट का लुक आपको देखने को मिलता है। और फीचर की अगर बात की जाए इस बाइक में फ्रेंड्स, आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है और फ्रंट में और रियर में। और फीचर की अगर बात की जाए तो ट्रिपल टोन में आपके यहाँ पे मडगार्ड मिलता है, ABS के यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है ABS डुअल चैनल का, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का कंपनी प्रोवाइड करती है। और फ्रेंड्स हेडलैम्प में मिलता है आपको प्रोजेक्टर लाइट जो कि आप देख सकते हैं, और DRL लाइट भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, नंबर प्लेट की पत्ती। और लुक और डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है मीटर कंसोल डिजिटल, प्लस यहाँ पे RPM का सेटअप आपको एनालॉग में देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इंजन की स्विच और 4 इंडिकेटर का स्विच मिलता है, सेल्फ स्टार्ट। और इस बाइक में एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, केवल सेल्फ स्टार्ट मिलता है, किक स्टार्ट नहीं मिलता है। मोबाइल चार्जिंग का भी फीचर्स यहाँ पे ऐड किया है कंपनी ने, इमरजेंसी में आप अपना काम चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता है और हमें कहीं निकलना होता है, तो मोबाइल चार्ज ना होने के कारण हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इस बाइक को आप लेने के बाद वो प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट नहीं होगा, बिल्कुल आपका मोबाइल चार्ज रहे या ना रहे, एक USB आप डाटा केबल लेकर निकलें और यहाँ पे आप अपना लगाएं और अपना मोबाइल आप स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पासिंग का स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और कलर्स लीवर और डिस्क ब्रेक का लीवर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो कंपनी ने अभी तक इसमें बल्ब ही यूज किया है, लेकिन लुक और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पोर्टी लुक में कंपनी आपको इंडिकेटर प्रोवाइड करती है। और ये है फ्रेंड्स इस बाइक का लेफ्ट एंगल लुक। और कलर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क देखने को मिलता है मडगार्ड में, वाइजर में और टैंक में और टेल पैनल में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो N160 का आपको यहाँ पे स्टिकर में लोगो देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, मैं रियर का लुक प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। और अब हम आ चुके हैं इसके राइट एंगल के लुक की ओर, और थोड़ा सा नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको 3D में पल्सर का लोगो देखने को मिलता है, हालांकि आपको लेफ्ट एंगल में भी टैंक काउल में आपको देखने को मिलता है, और इस बाइक में आपको इंजन काउल भी देखने को मिलता है, और बाकी आपको इस तरफ भी आपको सेम लुक और डिज़ाइन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं दिखा दूँ जो कि बहुत मज़े की चीज़ है, एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट को कंपनी ने कहाँ पर सेट किया है, एग्जॉस्ट आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अदर कंपनी की स्पोर्ट बाइक में आपको साइलेंसर बाहर निकला हुआ रहता है तो वो उतना मज़ा नहीं आता है दोस्तों, लेकिन इसमें है कि ज़बरदस्त यहाँ पे सेट किया है कंपनी ने, और कुछ इस प्रकार से लुक आता है रियर से आप देखेंगे। और रियर का टेल लैम्प भी आपको मिलता है LED का, और नंबर प्लेट की पत्ती का यहाँ पर आपको एक पत्ती मिल जाता है जिसमें आप अपना नंबर प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से आपको भी मिलता है प्रॉपर इस बाइक का लुक और डिज़ाइन मैं दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं बेहतरीन लुक आपको देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इस बाइक में माइलेज कितना निकाल लेती है, तो 40 का माइलेज ये बाइक आराम से निकाल लेती है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें इसके प्राइसिंग को लेकर तो 1,60,000 के अप्रॉक्स में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड शोरूम प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो मैं ये कन्फर्म ये नहीं कहूँगा कि इसका प्राइस इतना ही होगा, अदर स्टेट में थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। और बाइक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो है फ्रेंड्स 120 का। और मैं मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, अगर कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।